आजकल लोग आशाओं की, संघर्ष की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन एक बंदा है जो इन दोनों ही चीज़ों का पर्यायवाची है, जिसका नाम है प्रवीण तांबे। और उसके ऊपर एक बेस्ड एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है कौन प्रवीण तांबे, और बेहतरीन मूवी बनाई है। क्योंकि हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता है सचिन तेंदुलकर के बारे में, सौरव गांगुली के बारे में, राहुल द्रविड़ के बारे में, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा जिसके पास अपनी एक जो एक उम्मीद थी कि मैं एक ना एक दिन रणजी की जो ट्रॉफी है उसके लिए खेलूंगा जरूर, और उसके लिए कोई भी उसकी जो आप कह सकते हैं उम्र है, उसको लगता है कि ये सिर्फ एक नंबर है। ये बंदा उस चीज को प्रूव करता है कि एज सिर्फ एक नंबर है, आपका जो शरीर का जो एक कह सकते हैं शारीरिक क्षमता है और आत्मविश्वास, वो दोनों ही चीजें हैं जो वो कहीं पे भी कम नहीं पड़ेंगी। और ये चीज बहुत ही अच्छे से इस पूरी मूवी में दिखाई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सिनेमा रिव्यू। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयप्रकाश देसाई ने। इसके पहले उन्होंने कुछ टीवी सीरियल डायरेक्ट किए थे, उनका एक तरीके से डेब्यू है बॉलीवुड में, और मुझे लग रहा अच्छा टॉपिक पिक किया। ऐसे अंडरडॉग जो प्लेयर होते हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, जिनकी स्टोरियाँ थोड़े दिन तक खबरों में रहती हैं और उसके ख़त्म हो जाती हैं, उसको लेके आए। बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट था और बहुत ही आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग अच्छी थी, क्योंकि प्रवीण तांबे के बारे में राहुल द्रविड़ बात करते हैं एक कॉन्फ्रेंस में, और वो चीज़ से उन्होंने पिक किया। बेहतरीन मुझे लगा उनका डायरेक्शन था। सुबह से लेके स्ट्रगल के डेज कवर करते करते, मतलब स्ट्रगल के डेज कवर करते करते आप एंड तक पहुंच जाते हैं, क्लाइमेक्स पे आके ही सब कुछ होता है। मतलब स्ट्रगल काफ़ी लंबा था और आप कह सकते हैं क्लाइमेक्स पे जाके जो सक्सेस है वो काफ़ी छोटी पड़ जाती है उस स्ट्रगल के सामने, लेकिन हाँ एक वर्थ था आपको सुबह से लेकर आखिरी तक देखने में, आपको एक जो मज़ा आएगा वो इस पूरी मूवी में मिलेगा आपको। इसके अलावा जिसके राइटर थे कपिल सावंत, उनकी भी तारीफ करनी होगी, अच्छा लिखा उन्होंने। हाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा कि और कसाव की जरूरत थी, कुछ चीज़ें और अच्छी की जा सकती थी और इंटरेस्टिंग, ऑल दो फिर भी एक अच्छी बायोपिक आप कह सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो लीड रोल में थे श्रेयस तलपड़े, बेहतरीन एक्टिंग उनकी। ऐसा लग रहा था कि हम प्रवीण तांबे को ही देख रहे हैं, बेहतरीन मतलब जिस हिसाब से उन्होंने उनका स्ट्रगल था, उनका एक आप कह सकते हैं इमोशनल जर्नी थी, वो बहुत अच्छे से उन्होंने जी है इस पूरी मूवी में। इसके अलावा एक अलग इंपॉर्टेंट करेक्टर अंजलि पाटिल, मतलब मुझे लग रहा है कि एक तो उम्मीद थी प्रवीण तांबे के पास, दूसरी वाइफ थी जो बहुत कन्विंसिंग थी, जो आजकल लोगों के पास नहीं होती है, मतलब वाइफ का एक अलग ही वो रहता है, लेकिन यहाँ पे वाइफ को बहुत अच्छा से मैच्योर दिखाया गया, कन्विंसिंग दिखाया गया, और वो सारी चीज़ें मैं सपोर्ट करती हैं और आखिरी तक खड़ी रहती हैं, वो चीज़ बहुत अच्छे से डिस्प्ले की है अंजलि पाटिल ने। इसके अलावा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रोल में थे और मूवी के नरेटर थे परमव्रता चटर्जी, बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी भी, स्लाइटली नेगेटिव कह सकते हैं उनका रोल था, लेकिन हाँ उन्होंने उस पूरे रोल में जान डाल दी। इसके अलावा एक और सपोर्टिंग करेक्टर जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, आशीष आचार्य, कोच का रोल प्ले किया, अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत लंबा रोल नहीं था, लेकिन हाँ उनकी परफॉर्मेंस जितनी भी थी उन्होंने उसमें दमदार परफॉर्मेंस दी। तो ये तो हो गया परफॉर्मेंस वाला डिपार्टमेंट। अब चलिए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा था, स्क्रिप्ट थोड़ी सी बेटर की जा सकती थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी, सब ने अपना 100% दिया, और जैसे मैं बोला हूँ कि इसके थोड़ी सी इंस्पायरिंग थी, आपको अपने बच्चों के साथ देखनी चाहिए। बात करें अगर रेटिंग की तो मैं इसे देता हूँ 4/5 में से। जल्दी आऊँगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित।